थे, ये तो अब चल गया ना बालों का तो। तो ऐसे तो केवट ने कहा, क्या रो क्यों रहे हो, मैं कोई जोर से तो रगड़ नहीं रहा हूँ। बोले नहीं। फिर रो क्यों रहे हो? बोले आज तुमने हमारी गलतफहमी दूर कर दी, आज हमारा तूने अहंकार दूर कर दिया। बोले आपको क्या गलतफहमी थी, आपको क्या अहंकार? भगवान ने कहा आज तक हमको यही अहंकार था कि हम भक्तों को गिरने से बचाया करते हैं। नमे भक्त प्रणश्यति, मैंने घोषणा की है कि मैं अपने भक्तों को गिरने से, पतित होने से, गिरने से बचाया करता हूँ, पर आज भक्त ने भगवान को गिरने से बचा लिया, मेरी गलतफहमी दूर कर ली, मुझे सहारा दे दिया, चरणामृत बांटा है। तीनों नौका रूढ़ हुए, गंगा पार हुए, और जब तीनों नौका से उतरे, केवट उतर दंडवत कीना। जैसे ही केवट ने अब दंडवत किया तो भगवान को संकोच आ गया, कोई भी इसकी नाव से पार होता होगा कुछ तो जरूर देता होगा, आज तो हमारे पास कुछ भी, जगत का दाता असहाय खड़ा है, जो लेने वाला तैयार नहीं है, लेने वाला लेने को तैयार नहीं, तो दाता संकोच में रहता है। सीता जी ने देखा कि मेरे प्रभु संकोच, पिय ही की सिय जान बर्तन, एक चम्मच भी कम हो जाए तो माताएं बहुत शोर मचाती, तो जेवर और रसोई के बर्तन, और ये अंगूठी सामान्य नहीं थी। दशरथ जी ने जानकी जी को मुंह दिखाई में अंगूठी दी थी। कई बार हमारी बहनों को आदत होती है, वो उनका कोई भी जेवर मांग कर ले जाए वो दे देती हैं, लेकिन कोई पुरानी से एक चैन उनके पास रखी है जो उनकी ददिया सास ने दी थी, उसे नहीं देंगी। बोले नहीं भाई, ये नहीं देंगे हम, ये तो हमारे धरोहर की चीज है। तो जानकी जी को सबसे प्राण प्रिय अंगूठी थी, राम नाम अंकित थी, तो दशरथ जी ने कहा था, बिटिया ले, अब मेरा राम तेरा हो गया, तेरे राम को तुझे समर्पित कर रहा हूँ, यही मुद्रिका आगे जाके काम करती है। तो सीता जी ने कहा प्रभु देव, भगवान ने कहा केवट ले, कहो कृपाल ले उतराई। केवट ने चरण पकड़, नहीं प्रभु मैं ये नहीं लूंगा। क्यों? बोले तो माया की है, सोना भी माया, जानकी जी भी माया, आप मुझे माया में फंसाना चाहते हैं। भगवान ने कहा नहीं माया नहीं, ये मेरे नाम की है, ले मेरा नाम धारण। ओह महाराज, आप नाम की दीक्षा दे रहे हैं मुझे, मेरे पास कहाँ समय कि मैं आपके नाम का स्मरण करूँ। मजदूर आदमी, सवेरे से शाम तक मेहनत मजदूरी करता हूँ, रात को जाता हूँ बच्चों से भी बात करने का होश नहीं रहता, थक जाता हूँ सो जाता हूँ, फिर सुबह घाट पर आ गया। ऐसा कर, मेरे पास तो समय नहीं है कि मैं आपके नाम का स्मरण करूँ, ऐसा करिए आप ही मेरे नाम से धारण कर लो और आप ही मेरे नाम का स्मरण। लक्ष्मण जी ने कहा बड़ा तेरा दिमाग बढ़ते जा रहा है, बुद्धि बिगड़ी है तेरी, दिमाग खराब है, हैं? तेरे नाम का सुमिरन भगवान करेंगे कि तू भगवान के नाम का सुमिरन करेगा? केवट ने कहा लक्ष्मण जी बड़ा चिड़चिड़ कर रहे हो, क्या सवेरे बिना चाय पिए निकली हो क्या घर से? जब देखो तब तड़क तड़क कर रहे हो, अरे इसमें क्या अंतर पड़ने वाला है? मैं भगवान के नाम का सुमिरन करूं या भगवान मेरे नाम का सुमिरन करे, इसमें क्या अंतर पड़ने वाला है? मैं और भगवान तो एक ही बिरादरी के। जैसे कहा एक बार लक्ष्मण का मार डालूंगा, एक शब्द आगे बोला तो खबरदार सवेरे से बुद्धि बिगड़ी है। पहले हमारे बाप तक जा रहा था, पिता की कसम खा रहा है, अब हमारी बिरादरी तक जा रहा है। जब लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए, भगवान ने भी कहा केवट यार तू काय को गुस्सा दिलवा रहा है लखन का? अरे बोले महाराज अपने भैया को समझाइए, काम का गुस्सा कर रहा है। भगवान ने कहा यार तू बात ही ऐसी बोल रहा, गुस्सा ना आवे तो आवे। केवट का जी मैंने क्या गलत बोल दिया? बोले तू कह रहा है कि मैं और तू एक ही बिरादरी के। केवट का नाराज आमति होइए महाराज, मैं और आप एक ही बिरादरी के, बुरा मत मानिए। भगवान ने कहा कैसे बता? बोले बताऊंगा ना कि लक्ष्मण जी को पीछे कर दो तब बताऊंगा थोड़ा सा। केवट ने कहा महाराज बिरादरी जन्म से नहीं होती, बिरादरी कर्म और कारोबार से हुआ करती है, जन्म से बिरादरी का नहीं है निर्धारण, कारोबार से बिरादरी बनती है। किसी भी जाति का आदमी सोने चांदी का काम करे सराफ कहलाता है,
किसी भी जाति का आदमी कपड़े का व्यवसाय करे बजाज कहलाता है, किसी भी जाति का आदमी फल सब्जी का काम करे कोंजड़ा कहलाता है, किसी भी जाति का आदमी नाई का काम करे बाल काट नाई कहलाता है, किसी भी जाति का आदमी कपड़े धोने का काम करे धोबी कहलाता है। महाराज, जाति जन्म से नहीं होती, जाति कारोबार से हुआ करती है। मेरा और आपका कारोबार दोनों का एक है, बस कारोबार के आकार प्रकार का अंतर है। मैं जरा रिटेल का छोटा दुकानदार हूँ और आप थोक के बड़े व्यापारी हो। महाराज, काम दोनों का ही पार उतारना है। वे गंगा का केवट हूँ और आप भवसागर के केवट हो महाराज। इसलिए नाई सेन नाई लेत, धोबी सेन धोबी लेत। महाराज, और मुझे क्या नहीं, केवट को बहुत प्रकार से भगवान बहुत प्रकार से समझाते हैं, पर केवट लेने को तैयार। सीता बहुत कीन प्रभु, भगवान ने बहुत सब नहीं लिया, नहीं नहीं। जानकी जी ने कहा, वो लक्ष्मण जी ने कहा, बहुत कीन सी लखन। लक्ष्मण जी का ले ले यार, मन बल भावे मूड हलावे, मन में तो आ रही है और उबर उबर मना कर ले 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 ले। केवट ने कहा, लक्ष्मण जी हमारी वाणी आपके बाण जैसी नहीं है, हम जो बोलते हैं उसका पालन करते हैं। बोले क्या मतलब? बोले आपने हमको मारने के लिए बाण निकाला था और बिना मारे आपने बाण वापस कर लिया। हमने जो बोला है कि कुछ नहीं लेंगे, हम अपनी वाणी वापस नहीं ले सकते, हम लेंगे ही नहीं चाहे कितना ही देने की कोशिश। लक्ष्मण जी तिलमिला जाते। सीता जी ने जब कहा, बहुत कीन प्रभु लखन सिय, सीता जी ने जब कहा कि भैया ले लो प्रभु दे रहे हैं कोई बात नहीं, केवट रो गया, केवट रो पड़ा। माँ आप कुछ मत बोलिए, पाप लग जाएगा, मैं गरीब हूँ, मैं नीच जाति हूँ, मैं अशिक्षित अनपढ़ हूँ, लेकिन मेरे संस्कार विदेश के नहीं है, मैं भारत में जन्मा हूँ और भारत में संस्कार है कि बेटी से लिया नहीं जाता, बेटी को तो दिया ही जाता है, बेटी को जेवर चढ़ाया जाता है, बेटी का जेवर उतरवाया नहीं। ये पाप हमको मत लगाए। और मुझे मालूम है आपके पिताजी ने इन भगवान के दाहिने चरण का केवल जरा सा अंगूठा धोया था, तो उसके बदले श्रृंगार से आपको आभूषणों से सजाकर इनके साथ विदा किया था। मैंने तो इनके दोनों चरण धोए हैं और दोनों चरण धोकर भी मैं आपके आभूषण उतरवा लूं, मुझसे ज्यादा और कौन पापी होगा? माँ ये पाप मेरे ऊपर मत गाए। और केवट ने कह दिया, बहुत कुछ दिया है मुझे तू दाता, बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये औलाद दी है, नाथ आज मेरे का।
देखो केवट कितना भरा हुआ है प्रभु की कृपा से। प्रभु क्या नहीं मिल गया मुझे, सब कुछ तो मिल गया। आपका दर्शन हुआ, दुख मिटे, आपके श्री चरणों का स्पर्श हो गया, दोष मिटे, और जगत का दाता मेरे द्वार पर मांगने आ गया। जन्म जन्म का मेरा तो दारिद्र मिट गया प्रभु। एक ही प्रार्थना फिर थी वेर, आप जब लौट कर आएंगे जो दोगे प्रसाद समझकर शीश पर धारण कर। कितना होशियार व्यक्ति है, पक्का कर लिया किसी और रास्ते से मत लौट जा। हम भगवान के पास जाते हैं मांगों की सूची लेकर, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, उलाहना भी देते हैं। इतना भजन कर लिया, इतने पाठ करा लिए, इतने अनुष्ठान करा लिए, भंडारा भी करा दिया महात्माओं का, गाय भी बूढ़ी सी एक दान कर दी, कंबल भी सड़े से बांटे आया, और क्या जान लेगा क्या बता, और क्या करेगा, कब सुनेगा तू। 25 साल की लड़की बैठी है, अभी तक उसके हाथ पीले नहीं किए, 5 वर्ष से बहू घर में आई है, अभी तक उसकी गोद सूनी की सूनी है, और देख मेरे गुड्डे का दर्द तूने कम नहीं किया, और इनकी डायबिटीज बढ़ती जा रही है वो भी तूने कम नहीं की, व्यापार का घाटा इतना चल रहा है वो भी दूर नहीं किया, मुकदमा बंटवारे का चल रहा है इसका भी तूने निर्णय नहीं किया, चल ये कुछ न करता कोई बात नहीं, पड़ोसी दिन रात बढ़ता जा रहा है इसका भी तूने सत्यानाश नहीं किया, कम से कम इसी का कर देता, इन्हीं का कर देता तो चैन तो होता। कुछ मांग मांग मांग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और केवट बैठ गया यहां, नाव को खूंटे से बांध लिया, आंखों से पट्टी लगा ली, जिस नाव से प्रभु को लेकर आया हूं भगवान को ही लेकर जाऊंगा, अब जगत का भार नहीं ढोऊंगा। और 14 वर्ष की प्रतीक्षा में भरोसे के साथ बैठा है। भगवान का भजन में धैर्य और प्रतीक्षा दो चाहिए। कितनी बड़ी प्रतीक्षा कि भगवान जरूर आएंगे, हम प्रतीक्षा नहीं करते। आज ही किसी संत से मंत्र लिया है और आज ही दीक्षा ली है और सोचते शाम कोई मुरली मनोहर श्याम सुंदर प्रकट हो जाए और कहें कहिए सर मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, बताइए क्या करूं। बहुत लंबे प्रतीक्षा के बाद भगवान प्रतीक्षा से, प्रतीक्षा माने किसी के लिए बैठना, किसी के लिए खड़े रहना, किसी के लिए टहलना, किसी के लिए जागना, किसी के लिए अकुलाना, किसी के लिए करवट बदलना, किसी के लिए बेचैन रहना, व्याकुल रहना, तो इसको कहते हैं प्रतीक्षा। बालक पतिदेव आने वाले थे 9 बजे, 11 बज गया, जैसे पत्नी बेचैन हो जाती है, भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर, बिल्कुल भक्त की वही दशा। भाई 6 मासी रहें, पूरी पूरी रात मीरा जागती है, पूरी पूरी रात भक्त जागा करते, जगत सोता है भक्त रोता है रात को जाग कर। भगवान प्रतीक्षा से, और प्रतीक्षा अपने की जाती है, जिससे हमारा प्रेम होता है उसी की प्रतीक्षा की जाया करती है, और जो भगवान की प्रतीक्षा करता है भगवान 100 काम छोड़कर दौड़ा करता है, 100 काम छोड़। यहाँ से जानकी जी ने गंगा जी का पूजन किया, पुनः गंगा माँ से आशीर्वाद लिया है कि मैं सकुशल पतिदेव और देवर के साथ यात्रा करके वापस लौटूं, आज जैसी आपकी पूजा कर रही हूँ पुनः इस पूजा का अवसर दें, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आए, पूजे सब मन कामना। तो गंगा जी ने आशीर्वाद दिया है आप जब लौट कर आएंगी तो केवल सकुशल नहीं सारे जगत में तीनों लोकों में आपका श्रेष्ठ छाया होगा। गंगा माँ की शुभकामनाएं लेकर यहाँ से यात्रा आगे के लिए बढ़ी। बहुत सुंदर चलने का क्रम बताया है बंधु और बहनों, विषय तो बहुत लंबा है लेकिन मुझे पहुँचना बहुत आगे तक है, केवल संकेत दे रहा हूँ। भगवान सीधे चल रहे हैं, जानकी जी थोड़ी बच के चल रही हैं, लक्ष्मण जी दोनों को बचा के ऐसे चल रहे हैं। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा ऐसे त्रिभुज में क्यों चल रहे हैं, गोस्वामी जी बहुत सुंदर उत्तर दिया है, बोले कैसे चलना चाहिए संसार की यात्रा में, तीनों ने चलकर बताया है। भगवान आगे आगे जा रहे थे, भगवान के चरण चिन्ह रास्ते पर बनते जा रहे थे, कच्चा रास्ता था। जानकी जी ने सोचा कि मैं ठीक भगवान के पीछे पीछे चलूंगी तो मेरे पैरों के निशान भगवान के चरण चिन्हों पर आ जाएंगे और जो भगवंत चिन्ह बने हैं ये मिट जाएंगे। जानकी जी भक्ति की प्रतीक हैं और भक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वो सावधानी पूर्वक समाज में जो भगवंत के चिन्ह हैं वो प्रकट दिखाई देने चाहिए ताकि समाज उनका दर्शन कर सके। लक्ष्मण जी जीव धर्म के आचार्य हैं, लक्ष्मण जी धर्माचार्य हैं, धर्माचार्य दोनों को बचाकर चल रहा है, भगवंत के चिन्ह और भक्ति देवी के चिन्ह
और ये धर्माचार्यों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बंधुओं और बहनों, कि हमारे पूर्व ऋषि मुनियों आचार्यों ने, त्यागी तपस्वी महात्माओं ने तप करके समाज में जो भगवत और भक्ति के चिन्ह प्रकट किए, स्थापित किए हैं, वो हमारे आचरण से, हमारे कर्मों से, हमारे व्यवहार से, हमारी क्रियाओं से कहीं नष्ट न हो जाए। ऐसी सावधानी से धर्माचार्य को आचरण करना पड़ेगा कि समाज में भक्ति और भगवंत के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दें। और हम सबकी भी जिम्मेदारी है समाज में ऐसे चलिए, ऐसे रहिए कि हमारे पुरखे बाप दादे जो धर्म के चिन्ह परिवार में छोड़ कर गए हैं, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी अगर शोध करे तो उनको हमारे घर में धर्म दिखाई देना चाहिए। उनको लगना चाहिए हमारे घर से कोई चार धाम दर्शन करने गया था, हमारे आंगन में बैठकर सत्यनारायण की कथा हर पूर्णिमा को हुआ करती थी, हमारे घर से गौशाला को दान जाता था, हमारे दादाजी के दादाजी ने धर्मशाला बनवाई थी, हमारे परिवार ने ये शुभ कार्य किया था। उन बच्चों को हमारे परिवार में धर्म के परमार्थ के चिन्ह मिलने चाहिए ताकि उसको देखकर वो भी आगे बढ़ाए। इतनी सावधानी। चलते चलते यहाँ से भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए, बहुत स्वागत किया है भरद्वाज ऋषि ने, बहुत स्वागत किया। प्रभु ने पहले संगम स्नान किया है, अक्षय वट का दर्शन किया है, माधव भगवान की पूजा की और भरद्वाज जी के आश्रम में आए। सारा प्रयाग उमड़ पड़ा, देखन दशरथ सुवन सुहाए। रात्रि को प्रभु ने विश्राम किया। अगले दिन ऋषि से कहा, कहिए नाथ हम केही मग जाएं, हमको मार्ग बताइए। देखिए भगवान यहाँ अपने आचरण से गुरु महिमा को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। भगवान स्वयं जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, लेकिन जगत गुरु चूंकि मनुष्य रूप लेकर आया है तो भगवान कहना चाहते हैं बिना गुरु के मार्गदर्शन के न संसार की यात्रा सकुशल हो सकती है, न भक्ति की यात्रा सकुशल हो सकती है, न परमार्थ की। मैं स्वयं गुरु होने के बाद भी गुरु से मार्गदर्शन ले रहा हूँ। आज जो भटकाव है उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा कोई मार्गदर्शन नहीं कर रहा है। हम किसी से अहंकार के कारण किसी से मार्गदर्शन लेने को भी तैयार, अरे हम सब जानते हैं, अरे हम सब पहचानते हैं, हमको सब पता है, कौन गुरु आजकल कहाँ गुरु है, अरे सब गुरु घंटाल हैं, सब ऐसा है। ये बुद्धि का जो अहंकार है, देखिए गुरु होते मनुष्य के जैसे ही, हमारे जैसे ही होते हैं, शरीर से वो हमारे जैसे हैं लेकिन आत्मा से हमारे जैसे नहीं है। गुरु में मनुष्य बुद्धि रखना ही महा अपराध है। परमात्मा ही मनुष्य रूप में प्रकट हुआ है जिसने गुरु रूप धारण किया है, इसलिए गुरु में मनुष्य को मत देखिए। हमारे में हो सकता है कि हमसे गुणों में थोड़े कम होंगे, शिक्षा में थोड़े कम होंगे, हो सकता है आचरण में भी थोड़े कम हो सकते हैं, आप हो सकता है पान भी न चबाते हो, गुरुजी चिलम भी पी लेते हो सकता है, लेकिन फिर भी उनको अपनी बुद्धि से मत तौलिए, अपराध हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा दुनिया में आपको। जितना अंतर गुरु और हमारे में अगर अंतर देखना हो तो एक ही अंतर पर्याप्त है। जितना अंतर स्वामी विवेकानंद और नरेंद्र में है, जितना अंतर महर्षि दयानंद और मूल शंकर में है, उतना ही अंतर हमारे और गुरु में है। हमको विवेकानंद नहीं दिखाई देते, हम विवेकानंद में नरेंद्र को खोजने लगते, अरे ये तो उनका लड़का है वकील साहब का, ये तो हमारे साथ पढ़ाता, ये तो हमारे साथ खेलता था, ये तो, अरे भाई तुम्हारे साथ खेलता था, तुम्हारे साथ पढ़ाता, तो तुम विवेकानंद कैसे नहीं हो गए तुम के? कहना ये चाहिए कि हमारा भी सौभाग्य है, हमको भी सौभाग्य मिला इनके साथ पढ़ने का, हमको भी सौभाग्य मिला इनके साथ खेलने का, लेकिन हमारी ईर्ष्या उस गुरुता को स्वीकार नहीं करने देती है। और सब कहते कौन गुरु, काय के गुरु, क्या आता है उनको, पढ़े नहीं लिखे नहीं। गुरु आत्मा से जिया करता है, संसारी बुद्धि से जिया करता है। भगवान स्वयं कहते हैं कहिए नाथ हम कई मग जाएं, बिना गुरु के जीवन यात्रा पूर्ण हो ही नहीं सकती, प्रश्न ही पैदा नहीं है। गुरु की महिमा पर बहुत सारे प्रवचन हुआ करते हैं। मुझे एक जैन आचार्य की परिभाषा सबसे अच्छी लगी, वो कहते हैं जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, जीवन की शुरुआत ही गुरु के आशीर्वाद से, कृपा से। और वो जैन आचार्य उदाहरण देते हैं पतंग और पतंगे का, पतंग में भी वही अक्षर हैं, पतंगे में भी वही अक्षर हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। पतंगा स्वतंत्र होता है, पतंग परतंत्र होती है,
लेकिन स्वतंत्र पतंगा थोड़ी देर में दीपक पर जलकर राख और खाक हो जाता है। पतंग परतंत्र है, भले ही डोरी किसी और के हाथ में है, लेकिन पतंग हमेशा आकाश की ऊंचाइयों में उड़ा करती है। और जैन आचार्य अपनी टिप्पणी देते हैं कि जिनका जीवन पतंगे की तरह परम स्वतंत्र, सिर पर कोई, जो परम स्वतंत्र है, किसी के अनुशासन और छत्र छाया में नहीं है, उनका जीवन पतंगे की तरह संसार की विषय वासनाओं में जलकर राख और खाक हो जाता है। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन की डोर किसी सदगुरु के हाथ में दे दी, उनका जीवन पतंग की तरह आकाश की ऊंचाइयों में उड़ा करता है। डोर हाथ में, पतंग आकाश के अंदर। अर्जुन ने अपने जीवन की डोर द्वारकानाथ को दे दी, महाभारत पार होकर चला गया। जब तक पतंग में डोर नहीं बांधी जाती और किसी के हाथ में डोर नहीं आती, तब तक पतंग भी दुकान में धरती पर पड़ी रहती है। लेकिन डोर बंधी और हाथ में आई, पतंग आकाश की ओर उड़ा करती। एक संत ने बड़ा अच्छा गीत लिखा है इस पर, मुझे पूरा याद नहीं है, एक पद याद है, गा लो। ये जीवन एक पतंग डोरी सदगुरु के हाथ, ये जीवन एक पतंग डोरी सदगुरु के हाथ, ये जीवन एक पतंग डोरी सदगुरु के हाथ। ऊपर पुरुष के हाथों में दे दो। मैंने शायद कल या परसों बोला था कि जो पशु स्वतंत्र रहते हैं वो चिंतित भी रहते हैं, असुरक्षित भी रहते हैं, और जो पशु किसी खूंटे से बंधे होते हैं वो सुरक्षित भी रहते हैं और निश्चिंत भी रहते हैं। चिंतित वो है जिसने खूंटे से बांधा है, जो बंध गया वो बैठ के जुगाली करता, उसको चिंता नहीं। निश्चिंत जीवन जीना है, किसी न किसी के चरणों से बंध जाए। यहां से भगवान ने मार्ग पूछा, चार विद्यार्थी तय किए गए, चारों वेद हैं। वैदिक सनातन मार्ग ही राजमार्ग है। वेद का मार्ग माने सत्कर्म का मार्ग, परमार्थ का मार्ग, धर्म का मार्ग, माता पिता की सेवा का मार्ग, साधु संगति का मार्ग, दान पुण्य का मार्ग, गौ की रक्षा का मार्ग, राष्ट्र के कल्याण का मार्ग, ये सब वेद के मार्ग हैं। कोई एक मार्ग चुनोगे सीधे भगवान तक पहुँचोगे। चलते चलते भगवान वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आ गए। वाल्मीकि जी नाचने लगे, बहुत प्रसन्न। जिनकी कथा लिखी थी आज उनका साक्षात्कार हो रहा है। भगवान ने जब पूरी कथा सुनाई तो वाल्मीकि जी का, राघव मुझे कुछ मत बताओ बेटा, मैंने सारी लीला यहाँ देख ली है। तब भगवान ने जब सुनाना शुरू किया तो बोले, नहीं, जय जय भांत दीन बन रानी। और सुनो राघव, मैं तुम तीनों को जानता हूँ, दुनिया में तो तुमको कोई नहीं पहचानेगा, मैं तुम तीनों को पहचानता हूँ, तुम सामान्य मनुष्य नहीं हो। बोले तो, बोले श्रुति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी, श्रुति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी, जो सगति जग पालकी हरति रूप पाई निपाहि धामकी, जो सगति जग पालकी हरति रूप पाई सचरा चरणी, जो सर
राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, देवी देवता भी तुमको क्या पहचाने। तब भगवान ने कहा गुरु जी अब आप सब जानते हो, अब एक प्रार्थना है, हमको 14 वर्ष वन में रहना है, कोई स्थान बताइए। वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए और 14 शरीर के बाहर नहीं है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 और मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय। भगवान का साक्षात्कार इसी शरीर से इन्हीं इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, हर इंद्रिय भगवान का प्रवेश द्वार है, लेकिन हमने भगवान के जगह भोग को प्रवेश देना प्रारंभ कर दिया, इसलिए हमको पत्थरों की मूर्ति का दर्शन करने मंदिरों में जाना पड़ता है। जिसको मन में विराजमान होता चाहिए कोमल हृदय में, हमको पत्थरों के मकान में मंदिरों में जाना पड़ता है। 14 स्थान वाल्मीकि जी ने बताए हैं, संकेत मैं देता जा रहा हूँ, आत्मनिरीक्षण करते जाइए कि मेरे पास कौन कौन सा स्थान है। वाल्मीकि जी पहले कान से प्रारंभ करते हैं, कान कैसे हों जिनके सवर्ण जी कहते जिनके कान समुद्र के समान हैं, जैसे सारी दुनिया की नदियां समुद्र में जाती हैं और कभी समुद्र उबता नहीं अघाता नहीं, ऐसे जिनके कान हैं और सुने और सुने और सुने, सुनते ही रहे सुनते ही रहे सुनते ही रहे, ऐसे जिनके कान हैं उनके हृदय में आप निवास करो। और जो कहते क्या सुनना, वही राम रावण की लड़ाई, कोई नई चीज तो है नहीं, 5 साल पहले भी वही सुनाया था, अभी भी वही सुना, कोई नई चीज। इसका अर्थ है वो बुद्धि से, केवल बुद्धि से जीते, उनको उसका रस विशेष जाना तिन ना। राम चरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। अरे कान कहते हैं और सुने और सुने, प्रथु महाराज 10,000 कान मांगते, प्रभु 2 कानों से कथा सुनकर तृप्ति नहीं होती, हर रोया मेरा कान हो जाता आपकी कथा सुनता रहूं कथा। और मेरे पहले दिन के प्रवचन को याद करिए, केवल कथा सुनते रहिए बेड़ा पार हो जाएगा, ये व्यास पीठ की गारंटी, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कथा सुनते रहिए आपका जीवन कथामय हो जाएगा। हमारी आपकी बात छोड़ दीजिए, हम तो संसारी लोग हैं, जिनकी ये कथा है भगवान श्री राम, वो इस कथा को जब सुनते हैं पागल हो जाते हैं सुनते सुनते। हमको तो 8 दिन मिल रही है, भगवान श्री राम ने 14 दिन ये कथा सुनी थी, और 14 दिन तक लगातार कथा सुनने के बाद जब कथावाचक विदा होकर जाने लगे, भगवान चीख चीख कर पुकारते अब कब आओगे, अब कब आओगे, अब कब आओगे, अब कब कथा सुनाओगे, भगवान पागल जैसे हो गए। 14 दिन तक लगातार सुनने के बाद भी भगवान की तृप्ति नहीं हुई, कथा ही ऐसी भराई निरंतर हो। आपको मालूम है भगवान ने किसके द्वारा कथा सुनी? सबसे पहले लवकुश के श्रीमुख से भगवान ने कथा सुनी, बच्चों ने बाप को कथा सुनी। बड़ा मार्मिक प्रसंग है लवकुश का प्रसंग, बड़ा कारुणिक प्रसंग, बहुत काम। यज्ञ में कथा सुनाने आते, सीता जी का जीवन ही बड़ा करुणा से भरा हुआ, इस नारी को इतना सहन करना पड़ा। मुझे लगता है सारी सृष्टि की सहनशीलता का अगर शरीर बना दिया जाए तो उसका नाम जानकी जी हो जाएगा, सीता जी हो जाएगा। कभी जीवन में पिताजी के यहाँ जो सुख भोगा सो भोगा, और कितना सुख भोगा था, बोले पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा। धरती से तो प्रकट हुई थी लेकिन फिर मायके में कभी धरती पर रही नहीं, या तो पिताजी की पीठ पर या माँ की गोद में, या तो हिंडोले पर या तो पलंग पर। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पगवन कट। इतने लाड़ प्यार में पली हुई ये बिटिया, इतने बड़े परिवार की बहू बनकर आई,
ठीक से रह भी नहीं पाई कि वनवास हो गया। वनवास में भी रावण हरण करके ले गया, और जब पुनर्मिलन हुआ अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, राज तिलक हुआ, ठीक से सिंहासन पर बैठ भी नहीं पाई थी कि फिर से वनवास हो गया। और दूसरी बार का वनवास तो इतना कारुणिक था, मैंने कल भी बोला था, जानकी जिस समय गर्भवती थी, लवकुश माँ के गर्भ में 8 मास के हो चुके थे, आप कल्पना करो इस अवस्था में जानकी जी को घर से बाहर निकाला गया, लेकिन जानकी जी एक शब्द बोली नहीं। वो भगवान से कह सकती थी, भगवान क्या मेरा सारा जीवन परीक्षा देते जाएगा, क्या अग्नि परीक्षा के बाद भी मेरा पाप शेष रह सकता है, आप उस व्यक्ति को बुलाकर पूछ नहीं सकते, इतना भी कह सकती थी प्रभु कोई बात नहीं, लोक रंजन के लिए अगर मेरा त्याग आपके लिए आवश्यक लगता है तो कर दीजिए, लेकिन आपका तेज मेरे गर्भ में पल रहा है, 8 मास पूरे हो चुके हैं, केवल 1 मास शेष बचा है, ऐसी अवस्था में तो कोई मजदूर भी अपनी पत्नी को घर से दूर नहीं निकालता, कोई न कोई बुजुर्ग महिला को घर में ला के रखता है, मुझे आप इस अवस्था में, अरे मैं आपके तेज को जन्म देकर आपके चरणों में अर्पित कर जाऊं फिर मैं चली जाऊंगी। जानकी जी ये भी बोल सकती थी, लेकिन जानकी जी को अपनी माँ की बात याद आ गई। पहली बार डोली में बिठाते समय सुनैना जी ने कहा था, बिटिया पति रुख लखी आयस्व अनुसरे, पति का रुख देख कर व्यवहार करना, और जानकी जी समझ गई आज मेरे पति का रुख मेरे अनुकूल नहीं है, विरुद्ध। अब आप कल्पना करो जानकी जी के ऊपर भी और भगवान पर कैसी बीती होगी, कैसी घटना आती है, हमने सुना है। आज की शाम को भगवान ने तय कर लिया कि कल जानकी जी का वनवास होना, अभी जानकी जी को कुछ मालूम नहीं, किसी को अयोध्या में मालूम नहीं। रात्रि को जानकी जी ने एक सपना देखा कि मैं वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आई हूँ और सभी ऋषियों ने आशीर्वाद स्वरूप मेरी गोद में 2-2 फल दिए हैं। सवेरे का सपना बड़ा मांगलिक स्वप्न, तो जानकी जी ने सोचा सबसे पूर्व पहले भगवान को सुनाऊं। अब ये सुबह ही सुबह भगवान के कक्ष में आ गए, प्रभु पूजा के आसन पर बैठे थे, प्रभु रात में निर्णय कर चुके हैं कि जानकी जी को आज सदा के लिए छोड़ना है, और जानकी जी बड़े भोले मन से आकर प्रणाम करते, भगवान रात मैंने एक बड़ा मंगल स्वप्न देखा, आपको सुनाऊं। भगवान कुछ बोल नहीं पा रहे, चुप, भय लगता है आंसू प्रकट हो जाएगा। हाँ, बोलो। बोले मैंने स्वप्न देखा कि मैं वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आई हूँ, मैंने जब ऋषियों को प्रणाम किया तो सभी ऋषियों ने 2-2 फल मेरी गोद में दिए, भगवान बहुत मांगलिक ये स्वप्न है, बच्चों का जन्म होने वाला है, मुझे भी अनुमान आ रहा है कि मेरे गर्भ में 2 आत्माएं पल रही हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो बच्चों को जन्म देने के पूर्व मैं ऋषियों को प्रत्यक्ष प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले आऊँ, आज्ञा दे दीजिए शाम तक वापस आ जाऊँ। जानकी जी तो बिल्कुल भोले भाले मन से पूछ रही हैं और भगवान निर्णय कर चुके, अब कल्पना करो भगवान के ऊपर क्या बीती होगी कि मैंने तो तुम्हारा जीवन भर के लिए त्याग, प्रभु कुछ बोले नहीं, सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी। इधर जानकी जी तैयार हो रही हैं और भगवान ने लक्ष्मण जी को बुलाया, लखन आज तुमको जीवन का सबसे क्रूर कार्य करना है और मना नहीं करना, मेरी आज्ञा है, मैंने तय किया है, निर्णय किया है कि जानकी जी को सदैव के लिए वन में ही निवास करना है और तुमको छोड़कर जाना आना पड़ेगा। लक्ष्मण जी तो मूर्छित होकर गिर पड़े, प्रभु ये पाप मुझसे मत कराइए, जिस माँ ने 14 वर्ष मुझे बच्चा समझकर बालक कर मान कर मेरा लालन पालन किया, कच्चे कच्चे फल माने खाए, मुझे मीठे मीठे चकचक के खिलाए, जिसने कभी धूप नहीं लगने दी मुझे, नहीं प्रभु भरत भैया को कहो, सुमंत्र को कहो, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, प्रभु मुझे क्षमा कर। भगवान ने कहा लखन तुम्हारे अतिरिक्त कोई इस कार्य को कर नहीं पाएगा, मेरी आज्ञा आज्ञा हो गई तो मौन हो गए। जानकी जी पुनः प्रणाम करने आई है, प्रभु आशीर्वाद दीजिए मैं संध्या तक वापस आ जाऊंगी। अब कल्पना करो जानकी जी कितने भोले मन से प्रभु को पूछ रही है और भगवान कितना क्रूर हृदय लेकर हो गए कि कुछ बोले नहीं। जानकी जी बैठी रथ में, रथ चला, लक्ष्मण जी मौन, कुछ बोल नहीं पा रहे। आज सूर्य समय से पूर्व अस्त हो गए, सूर्य नारायण को ये चिंता हो गई, अगर जानकी जी ने रो रो कर मुझसे प्रश्न कर दिया, हे सूर्य नारायण मैं आपके कुल की बहू हूँ, आप मेरे कुल के पुरखे हो, क्या आपके कुल की यही परंपरा है कि एक निरपराध गर्भवती नारी को अकेले वन में तड़पने के लिए छोड़ा जाए, अपने कुल की परंपरा मुझे बताइए, आपके कुल की परंपरा क्या है, मान मर्यादा क्या। जानकी जी रो कर पूछेगी मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, उससे पहले सूर्य नारायण अस्त हो गए।
इतने में एक श्वेत पुष्पों का गुच्छा खिला हुआ दिखाई दिया। तो जानकी जी ने कहा, लखन भैया जरा रथ रोको, पुष्प ले लेते हैं ऋषि के चरणों में चढ़ाने को। और जैसे ही जानकी जी रथ से उतरी, लक्ष्मण जी ने रथ को मोड़ा और तेज गति से अयोध्या की ओर दौड़ाया। जानकी जी चिल्लाते हैं, लखन जी, देवर जी, भैया, लखन भैया, अरे सुनो लखन भैया, मैं रह गई, मुझे तो बिठाओ। भगवान लखन जी केवल इतना बोल पाए, माँ प्रभु की आज्ञा है, अब आपको सदैव इसी वन में निवास करना। लक्ष्मण जी तो मूर्छित हो गए, घोड़े कब अयोध्या आ गए पता नहीं। दिन छिपे का समय, गंगा के किनारे जानकी जी एक वृक्ष के नीचे बैठकर इतना रो रही है, दिन छिपे कोई महिला रोती है, बहुत अटपटा सा लगता है, माँ 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 करके, माँ अपनी गोदी दो, माँ मुझे अपने हृदय में स्थान दो, माँ अपनी गोदी में मुझे ले लो, माँ मुझे क्यों जन्म दिया, इतना रोई है। पक्षी लौट रहे थे अपने अपने आवासों को, उन्होंने देखा जगन माता जानकी जी रो रही हैं, पक्षी घेर कर बैठ गए, अपनी अपनी भाषा में बोल रहे, माँ रो मत, रोया नहीं करते, धैर्य धारण करिए, हम हैं ना, हम आपके पर्णकुटी बनाएंगे, हम अपने बच्चों को फल बाद में लाएंगे, पहले आपकी सेवा करेंगे। माँ को पक्षी सांत्वना दे रहे हैं। उसी समय संध्या वंदन के लिए गंगा किनारे वाल्मीकि ऋषि के दो शिष्य ब्रह्मचारी आए, उन्होंने देखा कोई राजकुमारी जैसी रो रही हैं, दौड़ कर गए वाल्मीकि का, गुरुजी गुरुजी, कोई बड़े परिवार की, कोई राज परिवार की, और नारी वहाँ बहुत जोर जोर से माँ माँ करके रो रही है, दौड़ कर चलिए। और जब वाल्मीकि जी आए हैं और निकट जाकर जब देखा, जानकी मेरी बेटी, जैसे ही बिटिया कहा, एकदम जानकी जी बाबा जी के पैरों से लिपट गए, बाबा मेरी रक्षा करो, बाबा मेरी रक्षा करो, एकदम वाल्मीकि जी ने छाती से लगा लिया, बेटी चिंता मत कर, मैं जनक हूँ बेटी, मैं तेरा पिता हूँ, चिंता मत कर बेटी, बाप के घर आ गई, अब तेरी सेवा मैं करूँगा, चिंता मैं करूँगा। कालांतर में दो बच्चों को जन्म हुआ है, 1000 जहरीले बिच्छू एक साथ डंक मारे, उनकी जितनी पीड़ा होती होगी वो पीड़ा माँ को बच्चे को जन्म देते समय हुआ करती है। जब प्रसव का समय आता है, कई कई महिलाएं संभालने पर रहती है, इतना भयानक प्रसव वेदना होती है, जिस समय जानकी जी प्रसव पीड़ा से चीखी होगी, तड़पी होगी, किसने उनको संभाला होगा, किसने सहायता की होगी। दो बच्चों को जन्म हुआ है, अब वाल्मीकि जी वहाँ पालना कहाँ से लाएं, तो दो झाड़ियों को आपस में बांध दिया, वलकल बिछा दे, जानकी बेटी ये बच्चों को पालना तैयार हो गया। मृग शावक अपने अपने बच्चों को छोड़कर जाते हैं आश्रम में, इनके साथ खिलाओ। इन छोटे बच्चों को वाल्मीकि जी ने वीणा के संगीत पर श्री राम कथा कंठस्थ करा दी थी। जब दोनों बालक राम कथा का गायन करते थे, गंगा जी की धारा लौट पड़ती थी, सब ऋषि मुनि ध्यान धारणा यज्ञादि कर्म छोड़कर दौड़कर वाल्मीकि जी के आश्रम में, आकाश के पक्षी रुक जाया करते थे, उड़ना बंद कर देते थे, इतनी मनोहारी कथा गाते थे। और आज एक घटना हुई, वाल्मीकि जी अपनी तैयारी कर रहे थे, तो दोनों बालक पहुंच गए, बाबा जी आप कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप तो कहते थे जब कहीं घर से बाहर जाना हो तो सबको बता कर जाना चाहिए, और आप जाने की बात तैयारी कर रहे हैं, हमको बताया भी नहीं कहाँ जा रहे हैं। वाल्मीकि जी ने लव कुश बेटा, अयोध्या नाम का एक बड़ा नगर है, वहाँ के राजा श्री राम हैं, 14 दिन का उनका यज्ञ है, मुझे उस यज्ञ में जाना, और सुनो माँ को तंग नहीं करना, हम 14 दिन के बाद आएंगे। बच्चों ने कहा बाबा जी हमको भी ले चलो, हमने कभी नगर नहीं देखे, कैसे नगर होते, हमने कभी राजा लोग नहीं देखे, राजा कैसे, राजपुत्र मांग करते हैं, राजा कैसे होते, हमने कभी देखा नहीं बाबा जी, हम कोई शैतानी नहीं करेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे रहेंगे, हमको भी साथ लेकर चलो। इतना जब बच्चों ने जिद की तो वाल्मीकि जी एक बार को तो घबरा गए, अगर इन बच्चों को मैं लेकर चला गया और वहाँ इनको ये जानकारी हो गई कि यही राम इनके पिता हैं, तो बच्चे विद्रोह पर खड़े हो जाएंगे, और बालक इतने तेजस्वी हैं कि इनके सामने अवध में कोई सामना नहीं कर पाएगा, करूँ तो करूँ क्या। लेकिन तुरंत दूसरे क्षण वाल्मीकि जी के हृदय में कोमल भाव आ गया, नहीं जरूर लेकर जाऊँगा, और कोई तो नहीं पहचानेगा, एक बार राम के सामने ले जाकर खड़ा करूँगा, अपनी बेटी को निर्दोष साबित करूंगा, राघव मेरी बेटी पूर्णतया निर्दोष है, तुम्हारी क्रूरता देखो कि तुमने गर्भवती बिटिया को, मेरी बेटी को घर से निकाला, और बेटी की महानता देखो कि उसने तुम्हारे तेज गोपाल पोस कर तुम्हारे सन्मुख खड़ा कर दिया, जरूर लेकर चलूंगा, ऐसा करो, अपनी माँ से आज्ञा लेकर।
जानकी जी कुटिया में बैठी पुष्पहार तैयार कर रही, दोनों बालक आके माँ की गोद में एक इस हृदय से एक इस कंधे से लगा, माँ आज तक हमने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं, जैसा खिलाया खा लिया, जैसा पहनाया पहन लिया, आज हम कुछ मांग करने आए। आप कल्पना करो जानकी जी के ऊपर क्या बीती होगी, गरीब अभागिन माँ। हमें सुनाए कि अयोध्या नाम का एक बड़ा नगर है, वहाँ के राजा श्री राम हैं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं माँ, बाबा जी जा रहे हैं, हमको भी अनुमति दे दो माँ, हमने कभी राजा लोग नहीं देखे, हमने राजभवन नहीं देखे माँ कैसे होते, हमने नगर नहीं देखे माँ, हमको आज्ञा दे दो। और जैसे अयोध्या राम और ऐसा बोले, एकदम जानकी जी जड़वत हो गई, अरे विधाता अब कोई और परीक्षा शेष बची है क्या? चूँकि जानकी जी को भय लगता है कि बच्चे अगर जाएंगे और इनको जब पता लगेगा कि यही राम तुम्हारे पिता हैं, मेरे बच्चों के मन में बचपन से पिता के प्रति अश्रद्धा पैदा हो जाएगी, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों के मन में बाप के प्रति अश्रद्धा पैदा हो, अरे विधाता मेरी रक्षा कर। लेकिन दूसरे ही क्षण वही भाव जानकी जी के मन में, जैसे भगवान बोल गए हो, जानकी रोको मत, मेरे नेत्र तड़पते तरसते बच्चों को देखने, रोको मत, भेजो, मैं प्रतीक्षा करता हूँ। जानकी जी ने भी सोच लिया मैं जरूर भेजूंगी, और कोई तो नहीं पहचान पाएगा लेकिन मेरे प्रभु जरूर बच्चों को घूमते देख लेंगे, वो पहचान लेंगे ये तो मेरे ही अंश है, ये तो मेरे ही बालक है। एक बार बाप बच्चों को देख ले, माँ की यही इच्छा हुआ करती है, एक बार बाप अपने बेटे को निगाह घबर कर देख ले, बस तैयारी करने लगी। वलकल धारण कराए, गोरोचन का तिलक लगाया, कंठ में कंठी पहनाई है, काले काले घुंघराले केश काढ़े हैं, वीणा देकर मुख चुंबन करके छाती से लगाकर माँ ने दो बात कही, देखो एक तो अयोध्या में अकेले घूमने नहीं जाना, और दूसरे तुमसे कोई कितना ही पूछे अपनी माँ के बारे में कुछ बताना नहीं, कोई पूछे तुम कौन हो कहाँ से आए हो, इतना कहना हम वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं उन्हीं के साथ आए, मेरे बारे में कुछ बताना नहीं। और जैसे ही दोनों बच्चों ने माँ के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करके और पीठ की मुख किया अयोध्या की ओर, एकदम जानकी जी कुटिया के द्वार पर खड़ी खड़ी रोती है, प्रभु मेरे बालक आपकी शरण में, प्रभु आप सबको सनाथ करते हो, मेरे अनाथ बच्चे आपकी शरणागत होने आ रहे हैं, प्रभु मेरे बच्चों पर कृपा करना। आकाश में पक्षी उड़ रहे थे, हाथ जोड़कर पक्षियों से प्रार्थना किए, आप में से कोई उड़कर जा सकता हो तो अयोध्या चले जाइए, और जिस भवन में मेरी कौशल्या माँ निवास करती है उस भवन की अटारी पर बैठकर बोल दो ये जो वाल्मीकि ऋषि के साथ दो बालक आए ये कोई और के नहीं है, ये तुम्हारे भगवान राम के अंश है, मेरी माँ को जब पता लग जाएगा तो मेरे बच्चों का वनवास दूर हो जाएगा, मेरे कारण मेरे बच्चे जिनको महल में मखमल के गद्दों पर मणियों के प्रकाश में विचरण करना चाहिए वो बलकल पहने जंगल में मारे मारे घूमे। जब तक बालक दिखाई दिए जानकी जी कुटिया के द्वार पर खड़ी खड़ी रोती रही, प्रभु कृपा करना, प्रभु आपके बालक आपकी शरण में आ रहे हैं, मैं तो अनाथ हो चुके हूँ, पर प्रभु मेरे बच्चों को अनाथ मत रहने दो, उनको स्नात करो। चलते चलते सब अवध आ गए, रात्रि को सरयू के किनारे विश्राम, अगले दिन प्रातःकाल बच्चे सरयू स्नान करके तिलक आदि तैयार होकर ऋषि के पास बैठे थे, वाल्मीकि ऋषि को सभी साधु महात्मा जब प्रणाम करने आए, वाल्मीकि जी को तो प्रणाम करना भूल गए, बच्चों के तेजस्वी स्वरूप में डूब गए, ऐसा अलौकिक तेज तो हमने कभी देखा नहीं। बड़ी भारी भीड़ जब हुई तो वाल्मीकि जी ने कहा लव कुश बेटा संतों को राम कथा सुनाओ, दोनों बच्चों ने वीणा के तार कसे और जैसे राम कथा का गायन प्रारंभ किया साधु महात्मा हिलकी भर भर कर रोने लगे, सरयू की धारा लौटने लगी, आकाश के पक्षी स्तब्ध। और उसी समय लक्ष्मण जी किसी ऋषि को मिलने के लिए सरयू के तट पर आए थे, उन्होंने देखा भीड़ लगी है और कोई राम कथा का गायन कर रहा है, तो भीड़ में से झांक कर जब लक्ष्मण जी ने देखा तो चीख पड़े, अरे ये तो हमारे परिवार जैसे बच्चे लगते, ये तो हमारे जैसे अपने बच्चे लगते। लक्ष्मण जी का मन करता है भीड़ चीर कर जाऊं, दोनों बच्चों को उठाकर छाती से लगाऊं, प्रभु की गोद में जाकर डाल दूं। सीधे लौट कर आगे भगवान से बोले भगवान यज्ञ तो बाद में कर लेना, यज्ञ तो होता रहेगा, वो छोटे छोटे कुमार आए किसी ऋषि के साथ, मैंने सुना वाल्मीकि ऋषि के साथ आए, इतनी सुंदर कथा सुना रहे प्रभु बिल्कुल हमारे जैसे बालक, बिल्कुल रघुवंश का तेज उनके मुखमंडल पर, एक बार उनसे कथा सुन।
भगवान तो जानते हैं कि अगर मैंने लक्ष्मण को अभी कह दिया कि अपने ही बच्चे इसी समय लक्ष्मण अपना प्राण छोड़ देगा, धरती में समा जाएगा कि मेरे ही पाप के कारण से सब हुआ, मैं ही छोड़कर आया था। भगवान ने समझा दिया, लखन भैया सबके बच्चे अपने जैसे तो होते, तुम यज्ञ की व्यवस्था करो, सायंकाल के समय हम राजभवन में बुलाकर सबको कथा सुनवाएंगे। और जब से बच्चों की सूचना प्रभु को मिली, भगवान भीड़ में उचक चक्कर देखते, मेरे बच्चे कितने बड़े हो गए होंगे, कैसे लगते होंगे, कैसे होंगे, मैं देखूंगा कहीं मेरा वात्सल्य फूट न पड़े, मर्यादा कहीं टूट न जाए, मैं ऋषि मुनि के वेश में बच्चों को कैसे देख पाऊंगा, अनेक प्रकार की कल्पनाओं में प्रभु डूबे। संध्या के समय भगवान ने अपने राजभवन में कथा का आयोजन किया। एक सेवक बुलाने आया ऋषि के पास के दोनों बालकों को भगवान बुला रहे हैं, कथा सुनना चाहते। बाल्मीकि जी ने दोनों बच्चों को तैयार किया, कहा लवकुश बेटा यहाँ के जो राजा हैं ना वो तुमसे कथा सुनना चाहते हैं, उनको प्रणाम करना, कथा सुनाना। और उनकी बूढ़ी माताएं हैं दो तीन, और उनको दूर से नहीं उनके चरणों में मस्तक रख के प्रणाम करना, आशीर्वाद है। दोनों बालक जटा जूट बांधे वीणा लिए जैसे राजभवन में प्रवेश करते हैं, अलौकिक मुखमंडल का तेज प्रकट हो रहा है, भगवान के नेत्र बंद हो गए बच्चों को देखते ही। मैं इस अवस्था में भोग के वातावरण में और मेरे छोटे छोटे दुधमय बच्चे मुनि वेश में जटाजूट बांधे वल्कल पहने प्रभु के नेत्र बंद हो गए। और जैसे ही कक्ष में प्रवेश हुआ कौशल्या माँ एकदम चीख पड़ी, सुमित्रा बहन मेरे राम जैसा लगता है, आगे वाला सांवला सलोला मेरा राघव जब छोटा था बिल्कुल ऐसा लगता था मेरे राम जैसा। बूढ़ी माँ के स्तनों में दूध आ गया। एक बार सुमित्रा ने बच्चों को मेरी गोद में बिठा दो, एक बार मैं छाती से लगाना चाहती हूँ, इनको दुलार करूंगी, बिल्कुल मेरे राम जैसा लगता है। दोनों बच्चों ने जाकर प्रणाम किया, भगवान से कहा कहिए राजन कैसे आपने हमको बुलाया, आज्ञा करिए। भगवान ने कहा कि आप कथा बहुत सुंदर सुनाते हैं, हम सबको कथा सुनाओ। वीणा के तार कसे और पहला स्वर जब गाया, मिथिला की राज दुलारी की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते सब गाइए। हम कथा सुनाती है। बाल
बालक कथा गाते जा रहे हैं, राजभवन रो रहा है, महल के पत्थरों से आंसू टपक रहे हैं, हिलकियों की आवाजें आ रही हैं, सब भगवान नेत्र बंद किए बैठे, और दोनों बालकों ने राज तिलक तक की कथा सुना दी और मौन हो गए। जब बालक मौन हो गए तो भगवान ने नेत्र को लिखा, बेटा अभी तो कथा आगे है ना, आगे की कथा सुनाओ ना। दोनों बालक रो पड़े, हाथ जोड़कर बोले, राजन हमको क्षमा कर दीजिए, आगे की कथा हम नहीं सुना पाएंगे। कारण बोले, आगे के राम कथा योग्य नहीं रहे, राम की कथा यहीं तक है जो सुनाई जा सकती है, आगे की कथा राम लायक, आगे के राम कथा योग्य नहीं है, लायक नहीं है, आगे की कथा हम नहीं सुनाएंगे। भगवान ने पूछा, क्यों, क्या योग्य नहीं है? बोले, आगे के राम ने निरपराध जानकी जी को वन में निकाल दिया था घर से, आगे के राम की कथा हम नहीं सुना पाएंगे, हमको क्षमा कर। अब आप कल्पना करो, भगवान बैठे हैं और बालक कह रहे हैं कि आगे के राम कथा लायक नहीं रहे, आगे के राम की कथा नहीं सुना पाएंगे। भगवान पर क्या बीती होगी कि मैं बैठा हूँ और बालक मेरे सामने मुझे दुत्कार रहे हैं। एक प्रकार से भगवान ने दोनों बालकों को ऐसे ले लिया बगल में, ऐसे बहुत सुंदर कथा सुनाई, अपना नाम बताओ, अपना परिचय दो, आप कहाँ से आए। दोनों बालक झटका मार कर दूर खड़े हो गए, राजन आपको साधु महात्माओं से व्यवहार करना नहीं आता, आप इतने बड़े राजा हैं, साधु संतों से उनके माता पिता का परिचय नहीं पूछा जाता, उनके गुरुदेव का परिचय पूछा जाता। चूँकि माँ की बात याद आ गई, माँ ने चलते समय कहा था मेरे बारे में कुछ बोलना नहीं, तो बोले हम वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं, उन्हीं के साथ आए। जो छोटा था ना कुश, वो बोल पड़ा, भैया भैया मुझे मालूम है मेरे पिताजी का नाम। भगवान कहा, तुम बता बेटा क्या नाम है? बोले हमारे पिताजी का नाम निष्ठुर है। निष्ठुर? तो लव ने पूछा, तुझे कैसे मालूम है पिताजी का नाम निष्ठुर है? तो कुश ने कहा, उस दिन हम शेर के बच्चे के दांत गिन रहे थे ना, तो माँ ने कितनी जोर से डांट कर कहा था, अरे निष्ठुर के जाए, इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहा, हमारे बाप का नाम निष्ठुर। इतना सुनना था भगवान एकदम उतरे, भाग कर गए कक्ष में पछाड़ कर, मेरे जैसा कौन निष्ठुर होगा, मैंने निरपराध जानकी को वन में भेजा, मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे कारण से मारे मारे वन में वनकल पहने, जटाजूट बांधे। उसी दिन से भगवान ने भोजन छोड़ दिया, श्रृंगार छोड़ दिया, पलंग छोड़ दिया, भूमि शयन करते हैं। दोनों बालक जब लौट कर जाने लगे, कौशल्या पीछे दौड़ती है, सुमित्रा के कही, एक बार इन बच्चों को मेरे भवन में ले चलो, एक बार मेरी गोद में बिठा दो। रोज कथा सुनने के लिए भगवान लालायत, दिन में यज्ञ पूरा करते हैं, सायंकाल भोजन विश्राम करके करने के लिए सब राजभवन अपने अपने कक्ष में जाता है। भगवान धरती पर आसन लगाते हैं, अपने विश्वस्त सेवक के द्वारा दोनों बच्चों को चुपचाप कक्ष में बुलाते हैं, दुलार करते हैं, हृदय से लगाते हैं, मुख चुम्बन करते हैं, देर तक कथा सुनते हैं, फिर रात में बच्चों को वहाँ छुड़वा देते हैं। आज की घटना, आज बच्चों को भगवान छाती से लगाए लेटे हुए थे, रो रहे थे, दुलार कर रहे थे, तो दोनों बालक बोल पड़े, राजन हमारी समझ में नहीं आता, जब भी हम आपके सामने आते हैं आप हमको देखते रोने लग जाते, क्या बात है, आपके कोई संतान नहीं हुई क्या, आपके कोई पुत्र नहीं हुआ है क्या, आप हमको देखकर क्यों रोते हैं? और जैसे कहा कि आपके कोई पुत्र नहीं हुआ क्या, आपके कोई संतान नहीं हुई, इतना कहना था भगवान तो दहाड़ मारने लगे, माँ माँ। दौड़कर कौशल्या जी आते, राघव क्या हुआ बेटा? बोले माँ बस एक काम कर, इन दोनों बच्चों को आज जाने नहीं देना, इन दोनों बच्चों को रात भर अपनी गोद में लेकर बैठे रहना, बस इनको जाने। पूरी रात कौशल्या जी, 14 दिन तक बच्चों ने कथा सुनाई। विदाई का समय आया, भगवान ने सभी को विदा दी है, लेकिन जब वाल्मीकि जी की विदाई का समय आया तो भगवान ने भरत जी को कहा, भरत भैया मैं नहीं विदा कर पाऊंगा, बच्चों को खिलौने देकर विदा करो, क्योंकि बच्चे मेरे सामने जटाजूट बांधे जैसे तैसे भवन में आए और जटाजूट पहने लौट कर जाएंगे, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इधर भरत जी ने बहुत से खिलौने आदि बच्चों को दिए, और जो ऋषि मुनियों को बच्चों ने कथा सुनाई थी, जब बच्चे जाने लगे कथा सुनाकर, तो सभी ऋषियों मुनियों ने सोचा कि कथावाचकों को कुछ न कुछ भेंट दी जाती है, हम तो विरक्त महात्माएं क्या दें, तो किसी ने अपना दंड बच्चों को भेंट में दे दिया, किसी ने अपना कमंडल बच्चों को भेंट में दे दिया, किसी ने अपनी सुमिरणी बच्चों को भेंट में दे दी, किसी ने अपना तिलक सामान बच्चों को भेंट में दे दिया, किसी ने अपना उत्तरीय बच्चों, जो जिसके पास था वही बच्चों को दे दिया।
हजारों की संख्या में दिगंबर साधु बैठे थे, नग्न वेशधारी, जिनके शरीर पर कोपीन भी नहीं, लंगोटी भी नहीं थी। वो रोने लगे। बच्चों ने 14 दिन तक हमको कथा सुनाई, सबने इनको भेंट दी। हमारे पास तो भेंट देने को कुछ नहीं, तो इन दिगंबर संतों ने अपने जीवन की शेष आयु निकाल कर बच्चों को भेंट में दे दी, वहीं शरीर छोड़ दिया। हमारी सबकी उम्र तुमको लग जाए, जगत में कथा सुनाते। और भगवान महल की अटारी पर खड़े होकर पुकारते, अब कब आओगे, अब कब आओगे। तो मैं निवेदन कर रहा था, बंधु और बहनों, ये कथा ऐसी है जिसको सुनते भगवान नहीं अघाते, हमारी तो हैसियत क्या है। तो वाल्मीकि कहते हैं कि ऐसे जिनके कान हैं उनके हृदय में आप निवास करें। और आगे के जो सूत्र हैं, बहुत मूल्यवान सूत्र हैं, उनका दर्शन कल सायंकाल 4 बजे, अभी खड़े नहीं होंगे। वो जो रात्रि की क्रिया मैं कराता हूँ वो कर लो एक बार, बस हाथ उठाओ। ये क्रिया सोते समय की जाएगी, पलंग पर जब बिजली बुझाकर आप सोने आए, पलंग पर बैठकर हाथ उठाइए, आंखें बंद करिए, भगवान का दर्शन करिए। अंतरिक्ष में मुस्कराती छवि का भगवान का जब भी दर्शन करना हो आँख बंद करके मैं बोलूँगा, प्यार से दोहरा दीजिए, हे प्रभो आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। हे प्रभो आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। माथा टेकिए, प्रणाम करते हैं। बहन लोग प्रणाम करती हूँ बोल सकते हैं। फिर हाथ उठाइए, वही दर्शन करिए, अब मेरे साथ साथ बोलिए, हे प्रभो आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। फिर माथा टेकिए, प्रणाम कर दीजिए। फिर तीसरी बार हाथ उठाए, दर्शन करिए, फिर बोली, हे प्रभो आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। माथा टेकिए, प्रणाम करिए और सो जाइए पलंग पर। आपको बड़े सुंदर स्वप्न आना शुरू होंगे, लेकिन स्वप्न किसी को बताइए मत, फिर नहीं आएगा। आज अनेक संत महापुरुष पधारे, और विशेषकर हमारे पूज्य उमाशंकर देव जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी इच्छा से और जिनके सहयोग आशीर्वाद से मैंने कथा गायन शुरू किया है, सौभाग्य से आज वे भी आशीर्वाद देने पधारे। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और आप सबको भी प्रणाम करता, वाणी विराम देता हूँ। बोलिए गंगा मैया की जय। अब सूचना सुनेंगे, आरती गाएंगे, तब जाएंगे। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, प्रसाद खीर का है तो व्यवस्था ठीक बनी रहे, इस निमित्त ध्यान देंगे कि व्यवधान ना हो। श्री आरती के लिए श्रद्धेय यूसी जैन जी, श्री मनोज गर्ग जी मेयर नगर निगम, पूज्य पिताजी मेयर साहब के, श्री सुनील अग्रवाल जी, श्री इंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, श्री राकेश अग्रवाल जी, श्री विष्णु चरण जी अग्रवाल, श्री कृष्ण कुमार जी अग्रवाल कोशी वाले, श्री ताराचंद जी बिरवानी, श्री हरीश कुमार जी राठौर, श्री गोपाल कृष्ण जी फरलिया, आचार्य बालकृष्ण जी, श्री मुरारी लाल जी अग्रवाल, श्री सुरेश चंद जी कौशिक, श्री कैलाश नाथ जी, श्री विमल कुमार जी, श्री प्रदीप चौधरी जी, डॉक्टर कुलदीप जी, श्री सर्वेश महेश्वरी जी, श्री नैमिशरण जी ज्वाला पिंटर कॉलेज, श्री के शर्मा जी, श्री सतीश कुमार जगता जी, श्री कृष्ण गोपाल गर्ग जी, श्री सुनील अनेजा जी, आरती उतारू मैं तो तन मनवारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारू, कनक सिंहासन राज की जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारू, हे चरणों में जीवन वारू,
हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य कौशल जी महाराज की जय। पूज्य सभी संत समाज की जय। बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री।